फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई होप ऑल आर डूइंग वेल। सो फ्रेंड्स, आई एम नेहा सेठी एंड वेलकम टू शेयर मार्केट विद नेहा सेठी। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे लॉर्ड स्टील शेयर के बारे में। बहुत से लोग पैनिक है कि मैम, 3 मंथ से एक ही रेंज में मूव कर रहा है, क्या अब हमें रुकना चाहिए या प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए एंड कब ब्रेकडाउन देगा। तो फ्रेंड्स, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। इस शेयर से रिलेटेड 2 न्यूज भी निकल के आई है स्टील सेक्टर से, सो वो भी आपके साथ शेयर करूंगी, सो दैट आप समझ सकें कि आपको ये मल्टी बैगर रिटर्न क्यों देखने को मिलेगा इस शेयर में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। एंड स्टार्ट करने से पहले, अगर चैनल को किया है फर्स्ट टाइम विजिट, तो प्लीज कर दीजिए सब्सक्राइब। करंट प्राइस चल रहा है 14.50। आप सबको मैंने बता रखा है, दिस इज ओनली फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर, नॉट फॉर लॉन्ग टर्म ट्रेडर। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स 14 के आसपास एंट्री करके 17 पे अपना प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। 3 मंथ से फ्रेंड्स आप अच्छा रिटर्न इसमें कमा रहे हैं फ्रेंड्स। बट जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं, जो 1 रुपीज के आसपास लेके बैठे हैं, उन्हें नहीं करना फ्रेंड्स। उनको यहां से भी एक बहुत ही मल्टी बैगर रिटर्न मिलेगा जरूर। तो जानेंगे कि क्यों। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि लॉयड स्टील जो कंपनी है, इट वॉज फाउंडेड इन 1974। मुंबई में इनका ऑफिस है एंड दिस कंपनी प्रोवाइड्स इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन इंडिया। एंड फ्रेंड्स, इन्होंने अपना एक न्यू प्लांट भी बनाया था। लास्ट क्वार्टर में ये न्यूज़ आई थी, ये अपना प्लांट भी बना चुके हैं और फ्रेंड्स ये अपने न्यू प्लांट्स बना के उसे एक्सपैंड भी करना चाहते हैं। करंट प्राइस चल रहा है 14.50। आज लास्ट सेशन में 1.07 करोड़ का वॉल्यूम देखा गया है। 40% डिलीवरी उठाई गई है एंड स्टिल उसके बाद भी 23,000 का बाय ऑर्डर भी लगा हुआ था। फ्रेंड, अब आप सोच रहे हैं कि ये इतने टाइम से कंसोलिडेशन जोन में घूम रहा है, तो कब ये कंसोलिडेशन जोन को तोड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, जैसे ही इसका Q4 का रिजल्ट आएगा, तो फ्रेंड उसके बाद ये यहाँ से आपको ब्रेकआउट लेते देखने को मिलेगा। फिर आप इसको इस प्राइस में बाय भी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज देन ये फिर फ्रेंड्स 20 की लाइन में चला जाएगा। तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ वेट करना है Q4 के रिजल्ट का। एक्सपेक्टेड है मई के फर्स्ट वीक में। अभी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आई है, बट एक्सपेक्टेड है मई के फर्स्ट वीक में। फ्रेंड्स, 14-17 के कंसोलिडेशन जोन में मूव कर रहा है, बट फ्यूचर में इसको फ्यूचर का मल्टी बैगर क्यों कह रहे हैं, तो इसका ये रीजन बताऊंगी फ्रेंड। कि पहली न्यूज ये है कि इंडिया एक्सपोर्ट्स 13.5 MT फिनिश्ड स्टील वर्थ ₹1,00,000 करोड़ इन फॉर द ईयर 2022। तो फ्रेंड्स, इंडिया एक्सपोर्ट भी करेगा अब स्टील को, बिकॉज डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सेकेंड न्यूज़ है, इन ईयर 2022 इंडिया स्टील कंजप्शन वॉज एट एन ऑल टाइम हाई। तो मैंने आपको बताया था इनकी स्टील की जो कंजप्शन थी एट ऑल टाइम हाई थी फ्रेंड्स, अराउंड 106 MT वाइल द कंट्री प्रोड्यूसेस 120 MT क्रूड स्टील। तो फ्रेंड्स, आप सबको पता है, इससे आप समझ के होंगे कि स्टील का प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ने वाला है, बिकॉज डिमांड बढ़ चुकी है। तो अगर स्टील का डिमांड बढ़ेगी तो उसके प्राइजेस बढ़ेंगे एंड प्राइजेस बढ़ने से शेयर का प्राइजेस भी आपको ऊपर जाता ही दिखेगा। तो फ्रेंड्स, अब आप समझिए, देखो अगर आपको शेयर मार्केट में किसी पैनी स्टॉक से अमाउंट, अच्छा खासा अमाउंट मल्टी बैगर रिटर्न लेना है, तो फ्रेंड्स 2-3 साल का तो लेके ही चलिए टाइम फ्रेम। अदरवाइज फ्रेंड आप एक शॉर्ट टर्म रिटर्न ही कमा सकते हैं। दो या तीन भी मैं कम कह रही हूँ, एटलीस्ट 5 ईयर्स का अगर किसी शेयर को आप अपना टाइम दोगे, तो वो यहाँ से आपको इतना रिटर्न दे देगा फ्रेंड, जितना आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स भी अर्न नहीं कर पाते। तो ये बात आपको ज़रूर समझनी है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए लॉयड स्टील को एक फ्यूचर का मल्टी बैगर कहा जा रहा है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में इसके 3 पॉजिटिव पॉइंट्स भी बताए थे कि इस कंपनी का डेप्ट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। डेप्ट है ही नहीं फ्रेंड्स कंपनी में, बिल्कुल ही डेप्ट फ्री कंपनी कह सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है किसी भी पैनी स्टॉक का। प्रोमोटर्स होल्डिंग स्टिल सेम है, वो बिल्कुल चेंज नहीं कर रहे हैं, ये भी एक गुड न्यूज़ है। ये फ्रेंड्स मैं आपको अपनी लास्ट वीडियोस में भी बता चुकी हूँ। इस वीडियोस में तो मैंने आपको जो हमारे गवर्नमेंट की तरफ से न्यूज़ आई है कि इंडिया एक्सपोर्ट क्या करेगा एंड इंडिया में जो कंजप्शन है वो ऑल टाइम हाई है, तो इससे आप समझिए कि स्टील की रिक्वायरमेंट कितनी ज़्यादा है। और स्टील रिलेटेड शेयर, चाहे वो टाटा स्टील हो चाहे वो सेल हो फ्रेंड्स, सब आपको दौड़ते दिखेंगे, लेकिन पैनी स्टॉक में आपको लॉयड स्टील एक बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है फ्रेंड्स। तो Q4 के रिजल्ट्स का वेट करना है। Q4 का रिजल्ट आएगा, आपको बता दूं, मई के फर्स्ट या सेकंड वीक में। फ्रेंड्स, एक और न्यूज़ है, अगर जो लोग लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं, तो अ लॉन्ग टर्म इंक्रीज इन 80 रुपीज़। तो 80 रुपीज़ आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें। विथ 5 ईयर इन्वेस्टमेंट द रेवेन्यू इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड 427.42%। तो रेवेन्यू भी फ्रेंड्स आप इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दैट दिस इज द रीजन फ्रेंड्स मैं लॉयड स्टील को हमेशा रिकमेंड करती हूँ। आप बोलोगे मैम, आप लॉयड स्टील को इतना रिकमेंड क्यों करते हो, बिकॉज फ्रेंड्स अभी आपको मैं क्लियरली बता दूँ, जितने भी पैनी स्टॉक्स चल रहे हैं इस टाइम मार्केट में, लॉयड स्टील को सबसे बेस्ट पैनी स्टॉक कहा जा रहा है, बिकॉज इसके फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रांग है, इस पर डेप्ट नहीं है
एंड क्वार्टरली क्वार्टरली इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है एंड रिजल्ट्स भी अच्छा आ रहा है। अब जैसे ही फ्रेंड्स Q4 का रिजल्ट आएगा आपको एक न्यू हाई बनाता जरूर दिखने वाला है। लास्ट 52 वीक हाई इसकी 28.80 है, उसको ब्रेक करता बहुत इजीली आपको दिख जाएगा। देन आप बोलोगे कि हमें कितना मल्टी बैगर रिटर्न मिल गया विद थोड़ा सा पेशेंस रखने पे। सो फ्रेंड दिस इज ऑल अबाउट लॉयड्स हिल शेयर। वंस अगेन वीडियो अच्छी लगी हो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट कोई भी अपडेट आता है तो डेफिनेटली वीडियो के थ्रू जरूर बताने वाली हूँ, इसलिए बेल बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। एंड फ्रेंड्स चैनल को अगर आपने किया है फर्स्ट टाइम विजिट तो प्लीज़ कर दीजिए सब्सक्राइब, बिकॉज यहाँ पे मैं आपको देती हूँ एनालिसिस विद करेक्ट इन्फॉर्मेशन विद करेक्ट न्यूज, सो दैट आप समझ सकें कि ये शेयर क्यों भागेगा एंड आपको यहाँ पे रुकना चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए या एग्जिट या फिर होल्ड करना चाहिए। तो फ्रेंड दिस इज ऑल अबाउट लॉयड्स हिल शेयर एंड वंस अगेन दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज। अपनी हार्ड एंड मनी को कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद से रिसर्च करना बहुत जरूरी है, इसलिए हमेशा करिए फ्रेंड्स एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।